मैं आज मौजूद हैं राजधानी के फोर्टिस हॉस्पिटल बसंतपुर में, जहां पर न्यूरो साइंसेज और एंड ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, जो कि एक्स एम चीफ ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड सीनियर कंसल्टेंट। और थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताएं प्लीज। मैं एम्स में 40 साल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, और शुरू में मैं ये प्रोफेसर था, फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी का हुआ, फिर बाद में चीफ ऑफ न्यूरो साइंसेज सेंटर बना। ये रिटायरमेंट के बाद मैं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में हूँ। आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये सेमिनार आयोजन किया और पब्लिक को ब्रेन के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और साथ साथ नसों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर स्पाइन से रिलेटेड, उसके बारे में हमने और डॉक्टर अनुराग गुप्ता जो न्यूरोसर्जन हैं और उनका एक पब्लिक के लिए सरल भाषा में व्याख्यान सा किया गया। अभी इंडिया में जो डाटा है, 185,000 लोग एवरी ईयर ब्रेन स्ट्रोक से उनकी डेथ होती है। शुरुआत में कैसे कोई जाने कि उनको ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है? यह समझना चाहिए कि कभी भी अचानक अगर बोलने में, देखने में, दिखने में, चलने में, फिरने में, हाथ पैर में कोई कमी आती है तो यह शक होना चाहिए कि शायद यह स्ट्रोक हो सकता है। और यह स्ट्रोक यूजुअली ब्लॉकेज टाइप का होता है, तुरंत डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जांच करानी चाहिए, दिखाना चाहिए। एक लीकेज टाइप का स्ट्रोक होता है जिसकी वार्निंग आती है सीवियर हेडेक के रूप में, अचानक इतना तेज़ सर दर्द हो जो कभी भी लाइफ में उतना तेज ना हुआ हो, तो डॉक्टर के पास जा करके और कम से कम एक जांच करा लेना चाहिए, सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, ब्रेन हेमरेज रूल आउट करा लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो है, एक ब्लॉकेज टाइप के लिए, एक लीकेज टाइप के लिए बहुत सहायक होगा कि आप उसको जल्दी से और शीघ्र पकड़ लें कि स्ट्रोक हो सकता है, हो सकता है ना भी स्ट्रोक हो, लेकिन डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए। जो डेथ रेट बढ़ रहे हैं इन केसेस में, क्या क्या लापरवाहियाँ हैं और किस किस तरह के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं? सबसे बड़ी लापरवाही है कि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं इसकी जांच नहीं कराते लोग, और अगर पता भी चलता है तो उसका इलाज नहीं कराते। जैसे कि वसंत कुंज में ही हम लोगों ने देखा, जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उसमें 30% को पता ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर था, और जिनको पता है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें हार्डली 40% हैं जो वेल कंट्रोल्ड हैं, 60% जो है वेल कंट्रोल्ड नहीं है। यह जो है बहुत, आप कह सकते हैं, चिंता का विषय है। और हम बराबर कहते हैं कि स्ट्रोक, चाहे लीकेज टाइप हो, ब्लॉकेज टाइप हो, अगर कोई पूछे कि तीन कारण, मुख्य कारण क्या हैं, तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाई बीपी ही सबसे बड़ा कारण है, और उसमें उसको कंट्रोल नहीं रखना, उसमें लापरवाही रखना सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ स्ट्रोक का इंसिडेंस भी ज़्यादा है और स्ट्रोक रिलेटेड डेथ भी ज़्यादा है। और इसके अलावा क्या क्या कारण है? जैसे आपने स्मोकिंग के बारे में बताया कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। हम बोलते हैं 4 × 4 बीमारियाँ जो है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज, और 4 लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ है, खान पान, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स रोज़ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, ओबेसिटी, वेट जो है बहुत ज़्यादा होना, और शराब और सिगरेट का सेवन करना, या कहिए टोबैको का सेवन करना या एक्सेसिव शराब का सेवन करना, ये सभी चीज़ें जो है वो मिलजुल करके स्ट्रोक करती हैं। यही सब चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं,
परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए और स्ट्रोक को ना हो इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामेश्वर आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सर। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ VP शर्मा INS।